पकड़ लूंगा ना। क्या नाम है? गजानन पमार। कहाँ से आए? चिमनखेड़ी, तहसील नेपालपुर, जिला इंदौर। क्या लेके आए? गेहूँ। अच्छा, कितने ट्राली लाए? ये गाड़ी लेके आए। कितने के? एक ये गाड़ी लेके आए। 20 कुंटल के आसपास है। अच्छा, आज क्या भाव गया मंडी में? ये आज आखिरी भाव गया 2700 रुपये कुंटल। अच्छा, और अधिकतम 2700 को गया? हाँ, अच्छा वेस्ट है। और न्यूनतम? ये 2100-2200, आखिरी अपना 1900, कितना गया? 2448। अच्छा, कौन सी क्वालिटी का था अपना? लोक वन। अब लगातार आवक बढ़ रही है मंडी में। हाँ हाँ आज कितने ट्राली माल आया होगा? लगभग होगी 100-140 ऊपर ही। और कितना बोया था अपन ने? अपन ने 5 बीघा। और उत्पादन कितने में आया? 1 बीघा का भी लाए हैं, लेकिन 20 से 18-20 कुंटल बीघा के। अच्छा, हो जाएगा। और कौन कौन से गांव से आता है अपने माल? अपने पूरे इंदौर क्षेत्र से, आसपास के जितने गांव हैं उससे आते हैं, सांवेर से लगाकर इंदौर इधर अपने रहो। कौन कौन सी क्वालिटी का आता है इसमें? जितने गांव होते हैं सब क्वालिटी का आते हैं। लोक वन है, तिनिक्का है, मालव शक्ति है, और श्रीराम है, ये सब बहुत आते हैं। आपका नाम? गजानन पवार। क्या नाम है? विक्रम बमूत्र। क्या लेके आए मंडी में? गेहूँ। कितने ट्राली? एक ट्राली। कौन सी क्वालिटी का है? तेजस। क्या भाव गया आज? आज अपना गया 2284। अच्छा, आज मार्केट मंडी में अधिकतम कितना गया होगा रेट? 2400 फुल। और नीचे में? नीचे में 2000। अच्छा, अब लगातार आवक बढ़ रही है तो इसका असर पड़ेगा? पड़ेगा ना। अभी जैसे कौन कौन सी क्वालिटी का आता है मंडी में? मंडी में तेजस है, पोषण है, जैसे उषा मंगल है, बहुत सारी क्वालिटी है इसमें। तो अपन ने कितने बीघा में बोया था? अपने 20 बीघे। और उत्पादन कितने में आया? इसमें आया 10। अच्छा, ये 5 बीघे। जितना अपने को लागत लगी थी उतना फायदा मिल पाया कि नहीं? नहीं, कम मिला। कम मिला ना इसमें तो दाम कम मिला आपकी बात। दाम भी कम मिला। अच्छा, अभी जो मौसम बिगड़ा उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा ना, प्रभाव तो गेहूँ में खराब हो गया ना, उत्पादन कम हो गया इसमें। अच्छा, ओला पड़ता है, पाला पड़ता है, तो क्या प्रभाव देखने मिलता है गेहूँ के दाने में? दाने क्या सफेद चेक हो जाते हैं गेहूँ, इसके बाद में गेहूँ की क्वालिटी नहीं रहती है, वजन भी कम होता है गेहूँ का, इससे गेहूँ में बहुत परिवर्तन होता है। सरकार अब मुआवजा देती है तो किस हिसाब से देती है? वो तो बहुत कम देती है ना, वो तो बीघे हेक्टेयर के हिसाब से देती है, 500-400 जैसा सरकार के ऊपर है वो। आपका नाम? विक्रम बमूत्री। क्या नाम है? विक्रम पवार। कहाँ से आए? अटायड। क्या लेके आए? गेहूँ। कितने ट्रॉली गेहूँ लेके आए? दो। क्या भाव गया आज? 2140 और 2166। कौन से क्वालिटी का है? पोषण। अच्छा, और कितने बीघा में बोया था? 8 बीघे। और उत्पादन कितने बीघा में आया? बस 11-12 कुंटल। अच्छा, और आज कितने ट्रॉली माल आया होगा मंडी में? 150 के आसपास। अच्छा, कौन कौन सी क्वालिटी का आया होगा? पूर्णा है, लोकवन है, और पोषण, तीनों क्वालिटी। अब आने वाले दिनों में जो है आवक बढ़ेगी गेहूँ की मंडी में? बढ़ेगी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी जितना चाहिए दबाव, वो दबाव नहीं होगा। अच्छा, मौसम बिगड़ा, मौसम का कोई प्रभाव पड़ा? हाँ पड़ा, पूरा मौसम से पूरा आधी आधी उपज होगी। अच्छा, अभी जो मौसम एक दिन पहले भी बिगड़ा तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें? अपने को तो उधर उज्जैन तरफ गिरा पानी और गीला कटरा। अच्छा, पड़ता है जैसे बारिश आती है, ओला गिरता है, तो क्या प्रभाव पड़ जाता है फसल पे? पूरा चौपट हो जाता है। अच्छा, जैसे दाना छोटा आता दाना है, दाना खराब हो जाता है, गेहूँ आड़े हो जाते हैं। अच्छा, बालियां गिर जाती है। अपन ने कितने बीघा में बोया था आपकी बार? गेहूँ 60 बीघे। कितना उत्पादन आया? अभी पूरा कटा है। ठीक है, आपका नाम? विक्रम पवार। क्या नाम है आपका? नारायण। कहाँ से आए? बसांद्रा। क्या लेके आए? गेहूँ। कितने बोरी लाए? 4 कट्टे। क्या भाव गया आज? 2332 गया है। अच्छा, आज ऊपर में कितना भाव गया मंडी में? ऊपर में ये 2300 से ले गए 2425 तक है। और नीचे में? नीचे में ज्यादा ध्यान। कितने बीघा में बोया था गेहूँ? अभी ये पुराना है। अच्छा, अभी बोया? नया आया नहीं हो। कितने बीघा में बोया अभी? ये भी 10-15। अच्छा, कौन सी क्वालिटी का है? ये लोपन तेजस सब। अच्छा, और अब मौसम जो बिगड़ा तो मौसम का कोई असर पड़ेगा? हाँ, कलर उड़ेगा। कलर उड़ेगा? हाँ। और उत्पादन पे कोई खास असर पड़ेगा? ये ज्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा, गेहूँ आड़े हो जाएंगे। गेहूँ आड़े हो जाएंगे? हाँ। अच्छा, अपने यहाँ पर मौसम कैसा है सावर में? अभी सावर में तो अच्छा है। ठीक है।